बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी पीपल्स लिए बेटा कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं। हमने बटन बटन लास्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर के ट्रांसलेशन, सिनोनिम, कॉन्टेक्चुअल एमसीक्यूज, पंक्चुएशन और इस तरह की बाकी चीज़ों को पढ़ा हमने। अब उससे आगे नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, ठीक है। सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें, सेकेंड पेज है, हमने स्टार्ट से ट्रांसलेशन करनी है। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, मैं इसकी वजाहत पे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं कमेंट क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, मैं इसकी वजाहत पे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इफ यू आर सेलिंग समथिंग, ऑर्थर सेड। ऑर्थर ने कहा कि अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो नहीं। ऑर्थर ने कहा कि अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो नहीं। मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड, आई एम नॉट। मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना सर नफी में हिलाया। शुक से मुराद है डिसअप्रूव, निगेट, इनकार करना, नफी में हिलाना। मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना सर नफी में हिलाया के नहीं, मैं कुछ नहीं बेच रहा हूं। ऑर्थर लुक एट नॉर्मा, ऑर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अप टू यू शी सेड, अप टू यू सुन रहा था, इट डिपेंड्स अपॉन यू, यानी ये आपकी मर्जी है। ऑर्थर उसे क्या कह रहा है कि आपकी मर्जी है। ऑर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा, उसने कहा जी आपकी मर्जी है। He hesitated, वो हिचकिचाया। हिचकिचाना you know well कि जब हम to be, not to be की situation में होते हैं, हम decide नहीं कर पा रहे होते, undecided situation में होते हैं। आप इसका synonym भी mark करें, ठीक है? Hesitate से बात था, synonym reluctant, unwilling, disinclined, inclined होता है you know well कि मान जाना, ठीक है? Resistant, हिचकिचाना, ठीक है? उर्दू में मीनिंग है हिचकिचाना, ये आप चार इसके साथ से निर्णय नोट कर लेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। He hesitated, वो हिचकिचाया। Well, why not? He said, वो हिचकिचाया, उसने कहा जी ठीक है क्यों नहीं। They went into the living room, वो निशस्तगाह में चले गए, वो निशस्तगाह में चले गए। And Mrs. Stewart sat in Norma's chair, Mrs. Stewart Norma की चेयर पे बैठ गए। He reached into an inside coat pocket, उन्होंने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। And withdrew a small sealed envelope, और एक छोटा बंद लिफाफा बाहर निकाला। उन्होंने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा बंद लिफाफा बाहर निकाला। Inside here is a key to the bell unit dome, he said. उन्होंने कहा इसके अंदर, बटन गुंबदनुमा, बटन घंटी वाले बटन की चाबी मौजूद है। उन्होंने कहा इसके अंदर गुंबदनुमा घंटी वाले बटन की चाबी मौजूद है। He set the envelope on the chair side table. Chair side, chair के साथ पड़े हुए। उन्होंने chair कुर्सी के साथ पड़े मेज पे लिफाफा रख दिया। The bell is connected to our office. घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। What's it for? Asked Arthur. Arthur ने पूछा ये किस लिए है? If you push the button, Mrs. Stewart told him. Mrs. Stewart ने उन्हें बताया कि अगर आप बटन दबाएंगे, somewhere in the world, someone you don't know will die. दुनिया में कोई एक ऐसा शख्स, दुनिया में कहीं कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा। In return for which, इसके बदले में you will receive a payment of $50,000. इसके बदले में आपको $50,000 की रकम मौसूल होगी। आप ये सेंटेंस मार्क कर लें। ये सेंटेंस MCQs में आता है कि what was the amount offered by Mr. Stewart to Norma for pushing the button? $50,000, ठीक है? Norma stared at the small man, he was smiling. Norma stared से मतलब है घूरना, ठीक है? Norma छोटे कद के आदमी की तरफ घूरने लगी, वो मुस्कुरा रहा था। Stare को आप मार करेंगे, ये बोर्ड का MCQs है, ठीक है? गुजरा वाला बोर्ड में 2016 में आया हुआ है। स्टेयर वर्ड है, मीनिंग है गेज, जो वहां पर ऑफर किया गया। एडिशनल मीनिंग आप देखें आपके फिर भी काम आ जाएंगे अदर सिनोनिम्स में, ग्लेयर और गेप, ठीक है? गेज बोर्ड का वर्ड है, ग्लेयर अनदर सिनोनिम है और गेप अनदर, ठीक है? What are you talking about? Arthur asked him. Arthur ने उसे पूछा तुम क्या बात कर रहे हो? Mrs. Stewart looked surprised. Mrs. Stewart हैरान दिखाई देते थे. But I just explained, he said. उन्होंने कहा मैंने अभी तो इसकी वजाहत की है. Is this a practical joke? Asked Arthur. Arthur ने पूछा क्या ये कोई अमली मजाक था? Not at all. The offer is completely genuine.
बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन, पेशकश मुकम्मल तौर पर हकीकी है। अब आप ऑफर पे आ जाए, उससे पहले जेन्युइन वर्ड था, ठीक है, और सरप्राइज था, इसके सिनोनिम कुछ देख लेंगे। सरप्राइज हमारा था शॉक, एस्टोनिश, एस्टाउंड, स्टन एंड ऑ, मीनिंग था हैरान। नेक्स्ट था जेन्युइन, एक्चुअल, ऑथेंटिक, रियल, इंजीनियस, मीनिंग था हकीकी। नेक्स्ट हमने देखा ऑफर, ऑफर मीन प्रपोजल, प्रपोजिशन, पेशकश, ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं, पेशकश मुकम्मल तौर पर हकीकी है। यू आर इन मेकिंग सेंस, ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा तुम अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ऑर्थर ने कहा तुम अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, और तुम हमसे इस पे यकीन करने की तवक्को करते हो, और तुम हमसे इस पे यकीन करने की तवक्को करते हो। हु डू यू रिप्रेजेंट, डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने पूछा तुम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो। डिमांडेड से मुराद यहाँ पे आस्क है, इंक्वायर है, ठीक है, पूछना है, इन्वेस्टिगेट है, पूछना। नॉर्मा ने पूछा तुम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो। मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड एम्बैरस्ड, मिस्टर स्टीवर्ड परेशान दिखाई देते थे, एम्बैरस्ड तो मत करें, लॉ रोड कवर्ड है 2009 का, ठीक है, ऑफर वहां पे जो एमसीक्यू उसमें करेक्ट ऑप्शन थी वो थी कंफ्यूज्ड, ठीक है, मीनिंग था हैरान या परेशान, कोई एक वर्ड, ठीक है, कंफ्यूज्ड वहां पे करेक्ट ऑप्शन थी। आप अदर ऑप्शंस लिख लें, सिनोनिम्स, डिस्ट्रेस, पर्टर्ब, डिवाइडर, ठीक है। मिस्टर स्टीवर्ट हैरान दिखाई देते थे, I'm afraid I'm not at liberty to tell you that, he said. उन्होंने कहा, मैं माज़रत करता हूँ कि मुझे आपको ये सब बताने की इजाज़त नहीं है। However, I assure you, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, the organization is of international scope, के पेशकश मुकम्मल, sorry, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तंजीम बैनल्कवानी अहमियत की हामिल है। स्कोप से मरा था इंपोर्टेंस, वैल्यू, ठीक है, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तंजीम बैनल्कवानी अहमियत की हामिल है। आई थिंक यू वुड बेटर लीव, ऑर्थर सेड स्टैंडिंग, ऑर्थर ने खड़े होते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि आपके लिए यहाँ से जाना बेहतर होगा। मिस्टर स्टीवर्ट वाज ऑफ कोर्स, मिस्टर स्टीवर्ट ने उठते हुए कहा, जी बिल्कुल, एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना बटन हुआ आला भी अपने साथ ले जाओ। आर यू श्योर यू वुडंट टेक, यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे सो, क्या आपको यकीन है कि आप एक दिन या इससे ज्यादा इसके बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं लेंगे। Arthur picked up the button unit. Arthur ने बटन वहाँ आला उठाया and enveloped Olivava. Thrust them into Mrs. Stewart's hand. और इसे Mrs. Stewart के हाथों में थमा दिया. Thrust थमा देना. ठीक है? Arthur ने बटन वहाँ आला Olivava उठाया और इसे Mrs. Stewart के हाथों में थमा दिया. He walked into the hall. वो हॉल में गया and pulled open the door. और खींच कर दरवाजा खोला. I leave my card, said Mr. Stewart. Mr. Stewart ने कहा मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ। He placed it on the table by the door. उसने इसे दरवाजे के साथ पड़ी मेज पर रख दिया। When he was gone, जब वो जा चुका था, Arthur tore it in half. Arthur ने इसे दो टुकड़ों में फाड़ दिया। And tossed the pieces onto the table. और इन्हें मेज पे उछाल फेंका। Toss को मार करें, ठीक है, meaning है throw या cast. Cast आप पेयर में भी पढ़ेंगे। एक cast होता है C-A-S-T, cast. ठीक है, मीनिंग है फेंकना, ठीक है, वोट कास्ट करना। इसका एक अदर जो पेयर में वर्ड पड़ेंगे वो सी ए एस टी ई होता है। ठीक है, कास्ट वो कौन सी है, वो जात है। ठीक है, जैसे अराली, मुगल, जिस तरह से कोई भी किसी की कास्ट होती है वो एंड पे ई आता है। ठीक है, यहाँ पे हम मीनिंग कर रहे हैं कास्ट फेंकने वाला, ये आपने दोनों याद करना है। आगे देखें, ऑर्थर ने इसे मेज पे उछाल फेंका। नॉर्मा वाज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा, नॉर्मा अभी तक मेज पर, सॉरी सोफे पर बैठी हुई थी। What do you think it was? She asked. उसने पूछा आपके ख्याल में ये सब क्या था? I don't care to know, he answered. उसने जवाब दिया मैं जानना नहीं चाहता। उसने जवाब दिया मैं जानना नहीं चाहता। He tried to smile but couldn't. उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन ना मुस्कुरा सकी। Aren't you curious at all? क्या आप इस बारे में पुरतजस्सुस नहीं है? Curious को मार करके interested लिख लें, ठीक है, या intrigued लिख लें। ठीक है, intrigue या आपकी second last line पे word लिखा हुआ है INTRIGUE, intrigue, उर्दू में मीनिंग है पुरतजस्सुस होना, यानी दिलचस्पी लेना। क्या आप बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते हैं या क्या आप बिल्कुल पुरतजस्सुस नहीं हैं, कोई एक वर्ड। नो, इशू के सेट, नहीं, उसने अपना सर नफी में हिला दिया। ऑर्थर, आफ्टर ऑर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, और जब ऑर्थर अपनी किताब पे वापस आ चुका था, नॉर्मा बेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा किचन में वापस गई एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज, और बर्तन धोने का काम मुकम्मल किया।
Why won't you talk about it? Norma asked. Norma ने पूछा आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करेंगे? Norma ने पूछा आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करेंगे? ये मार करें दो लाइनें. गुजरा वाला बोर्ड 2014 पंचुएशन के लिए ये दोनों लाइनें ऊपर की गई आफ्टर ऑर्थर से लेकर जहां तक मैंने पढ़ा है Norma asked यहां तक ये पंचुएशन के लिए लाइनें ऊपर की गई. इससे पहले भी आपने ये लाइनें मार कर ली थी. ठीक है, मिसेस स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरस्ड से लेकर स्कॉट तक. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पंचुएशन है. उसके बाद ही हमने मार की गुजरा वाला बोर्ड 2014 आफ्टर ऑर्थर्स लेकर Norma asked तक. ठीक है, यहां तक आप मार करेंगे पंचुएशन के लिए. ऑर्थर्स आईज शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ. जो ही ऑर्थर अपने दांत साफ कर रहा था तो उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाई. ही लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर. उसने बाथरूम के आईने में इसका अक्स देखा. उसने बाथरूम के आईने में इसका अक्स देखा. Doesn't it intrigue you? ये intrigue जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, curious, interested, ठीक है, पुरतजस्सुस होना, ठीक है? क्या ये आप में दिलचस्पी पैदा नहीं करता है? या क्या ये आप में तजस्सुस पैदा नहीं करता है? It offends me, Arthur said. ठीक है, offend को मार करें और replace करें hurt से, displeased से, ठीक है, upset से, distressed से, ठीक है, annoyed, aggrieved, outraged, ठीक है, meaning है गुस्सा दिलाना. ठीक है, ऑर्थर ने कहा ये मुझे गुस्सा दिलाता है. ऑर्थर ने कहा ये मुझे गुस्सा दिलाता है. यहां तक मार्क कर लें. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे. आप सारी इसकी ट्रांसलेशन, ठीक है, और इसके लिए सारे जो सिनोनिम्स थे, ठीक है, और उसके साथ पंक्चुएशन और ये बाकी मीनिंग्स हैं, ठीक है, वो आप सब उसे रिवाइज करेंगे. कोई क्वेश्चन हुआ आपको तो आप उसे टेक्स्ट मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं व्हाट्सएप. ठीक है, बहुत शुक्रिया.